हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्वाति और आपका स्वागत है स्वाति कुकरी में। आज मैं बनाने वाली हूँ बढ़िया से समोसे, और वो भी थोड़े डिफरेंट टाइप के। मैं बनाने वाली हूँ कानपुर स्टाइल के समोसे। ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। इंग्रेडिएंट वही जो सारे समोसों में पड़ते हैं, बस थोड़ा सा उनका रेशियो डिफरेंट होता है और इनकी सर्विंग थोड़ी सी डिफरेंट है। देखिए मैंने कितने बढ़िया यमी लगते हैं देखने में ना, खाने में उतने स्वादिष्ट हैं। चलिए सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट बताती हूँ। इसके फिलिंग में यूज़ करने वाले हैं हम पोटैटो और मटर, जिनको मैंने प्री बॉयल कर लिया है। और इनको बॉईल करने के बाद आलू पोटैटो आलू को मैश कर लेंगे। और चलिए इसको मसाले को तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मसाले बताती हूँ। इसे मैंने लिया है 1 टीस्पून जीरा पाउडर, मैंने नॉर्मल जीरे को पीस लिया है। और इसमें 1/4 टीस्पून हींग लिया है, मैंने 1 टीस्पून इसमें रेड चिली पाउडर लिया है, आप अपने टेस्ट के अनुसार लीजिएगा। मैंने 1 टीस्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1 टीस्पून कानपुर स्टाइल गरम मसाला लिया है जो इसकी रेसिपी मैं जल्दी ही चैनल में डालने वाली हूँ। और मैंने सॉल्ट लिया है, साथ ही मैंने 1 टीस्पून अमचूर पाउडर लिया है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। एक कढ़ाई चढ़ाते हैं। कढ़ाई में लेंगे हम 2 से 3 टीस्पून घी। घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और कानपुर के समोसों में घी का बहुत बढ़िया से इस्तेमाल होता है। देसी घी का समोसे तो बहुत फेमस होते हैं, तो आप चाहें तो इसकी जगह रिफाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे पहले हम उसमें जीरा पाउडर और हींग को हल्का सा भून देंगे, बिल्कुल 2-3 सेकंड के लिए, कहीं तो हमारी मसाला जल जाएगा। इसमें हम अपने मैश किए हुए पोटैटो और उबली हुई मटर डालेंगे। और इसको हम गैस को हमें मीडियम फ्लेम पे ही रखना है, बहुत तेज नहीं करना है। अब सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम अपने मसाले डालना शुरू करेंगे। सारे मसाले अच्छे तरीके से डाल करके सबके ऊपर, अब इसमें हम इसको धीरे धीरे कलहाते हुए थोड़ी देर कलहारेंगे। हम इसमें अपने सब्जी को कम से कम 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे। इससे बहुत अच्छा एरोमा ऐड होगा, मसाले हीट होकर अपना ऑयल रिलीज करेंगे और बहुत अच्छा एरोमा ऐड हो जाएगा। तो देखिए हमारी सब्जी को पकते हुए 10 से 15 मिनट हो गए। अब इसमें एक मुट्ठी भर करके हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया एकदम ऑप्शनल है, अगर आप हरा धनिया यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप मत डालिए, मगर हरा धनिया बहुत अच्छा फ्लेवर देता है आलूओं को। आप इसमें थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर। भुना हुआ जीरा पाउडर इसको बहुत बढ़िया फ्लेवर देता है। अब इसको पकाएंगे लगभग 5 से 6 मिनट और हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। तो चलिए आप अपने समोसों की पट्टी के लिए मैं अब आटा तैयार कर लेते हैं, मैदा तैयार कर लेते हैं। मैंने इसके लिए लगभग 750 ग्राम लिया है मैदा, या और इसमें मैंने डाला है सॉल्ट। सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, मैंने 1 टीस्पून डाला है। 1 टीस्पून अजवाइन लिया है जिसको थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, जिससे इसका अच्छा से अरोमा रिलीज हो जाएगा अजवाइन का। और अब इसमें डालेंगे हम रिफाइंड मोहन लगाएंगे। ये मैं रिफाइंड ऑयल से मोहन लगा रही हूँ। इसमें मैंने 750 ग्राम आटा लिया था, तो इसमें मैं लगभग 75 से 80 ग्राम ऑयल डालूंगी। आप अंदाजे से डाल लीजिए, हमको कुछ इस तरीके से टेस्ट जैसे ब्रेड की आटा जुड़ने लगे आपस में चाहिए। और इसका अब हमें आटा गूंथ लेना है। अभी देखिए मैंने नॉर्मल वाटर से नॉर्मल पानी से गूंथ लिया है, और ये मैंने एक बिल्कुल जैसे रोटी से थोड़ा सा सख्त, बहुत सख्त आटा नहीं लगाना है, रोटी से थोड़ा सख्त आटा लगा लेना है। और ये इसको आटे को रेस्ट करने के बाद रख दीजिए, फिर दोबारा से इसे हल्का सा गूंथेंगे और हम उसकी अपने समोसों के लिए पेड़े बना रोटियां पूड़ियां बनाना शुरू करेंगे। तो अब हम लोइयां काट लेते हैं, थोड़ी बड़ी साइज की लोई काटेंगे क्योंकि हम एक ही पूड़ी से 2 समोसे बनाएंगे। हमको 2 आधा चंद्रमा के आकार का पूड़ी चाहिए, तो हमको एक समोसे बनाने के लिए, तो उससे हम एक बड़ी पूड़ी बनाएंगे थोड़ी मोटे साइज की। तो जब हम अपनी पूड़ियाँ बेलना शुरू करेंगे तो इसमें हमें परथन नहीं लगाना है, मतलब इसके ऊपर हमें मैदा डस्ट नहीं करना है। आप इसमें या ना चिपके इसके लिए अवॉइड करने के लिए आप इसमें रिफाइंड ऑयल का लगा सकती हैं ऊपर से हल्का सा, और इसको कुछ इस तरीके से बेलना है। थोड़ी लंबी टाइप की पूड़ी बेलनी है, एकदम गोल पूड़ी नहीं बेलनी है। बस एक ही बात का ध्यान रखिएगा कि आप इसके कॉर्नर्स बहुत पतले मोटे मत बनाइएगा, क्योंकि अगर कॉर्नर बहुत मोटे होंगे तो जब आपस में उनको टक किया जाएगा तो बहुत ही थिकनेस हो जाएगी। तो आप बेलन के साथ से आप साइड्स को थोड़ा सा पतला कर लीजिए और बीच को थोड़ा थिक ही रहने दीजिए, अदरवाइज समोसों की जब आप फिलिंग भरेंगे तो उस जगह से फटने लगेगा। पूरी बहुत बहुत आपको ना तो पतली बनानी है, ना ही बहुत मोटी बनानी है। अब इस तरीके से इसको आधा काट, तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। अब इसके हाफ साइड में हम लगाएंगे पानी और इसको अपनी फिंगर के ऊपर रखते हुए कुछ इस तरीके से टक करेंगे और थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। अब इसमें हम फिलिंग डालेंगे। एक समोसे में जो मीडियम साइज का समोसा होगा उसमें लगभग 2 से 3 टीस्पून इसमें फिलिंग पड़ जाएगी। फिलिंग को हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि हमारा समोसा अच्छा
अच्छे से कोन का शेप ले ले और अब इसके लास्ट के एज में थोड़ा पानी लगाएंगे और सबसे पहले इस जगह बीच से टक करेंगे जहाँ से हमने पहला जॉइंट लगाया था, पहले वहाँ से प्रेस करेंगे और फिर चारों तरफ से इस तरीके से सारे कॉर्नर्स को सील कर देंगे, इसके आगे के को भी सील कर देंगे और इस तरीके से फोल्ड करते हुए प्लेट बनाते हुए हम बनाएंगे अपने समोसे की महाराज की बैठक। समोसे की बैठक बनना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे समोसे को परफेक्ट शेप मिलता है। तो देखिए मैंने रिफाइंड को मीडियम लो फ्लेम पर गर्म कर लिया है। हमें वैसे शुरुआत में बहुत गर्म नहीं चाहिए क्योंकि समोसों को थोड़ा सा टाइम देना है। तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा घी बिल्कुल परफेक्ट गर्म है, ना बहुत तेज ना बहुत ठंडा। अब इसमें हम इसको डालते जाएंगे इस तरीके से हम अपने समोसों को डालेंगे और जब हम समोसे डालेंगे तो उस टाइम हम इनको लो फ्लेम पर रखेंगे और जैसे जैसे ये हमारे समोसे को थोड़ा सा पक जाएंगे फिर हम इनकी फ्लेम तेज करेंगे ताकि ये ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं, अच्छे से बन जाएं। अगर आप तेज हीट में डाल देंगे तो सबसे बड़ी समस्या आती है इसके ऊपर एक फूले से छेद जो बन जाते हैं वो उसको अवॉइड करने के लिए देखिए जैसे मैंने बनाया था इस तरह मैंने बना के रख लिया था। अब मैं इस जगह पे ऐसे फोल्ड लगाऊंगी और इस तरीके से इसको मोड़ दूंगी, धीरे से इसको तेल में डिप कर देंगे। अब इनको हम पकने देंगे। तो अब हम अपने समोसों को बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेंगे। अपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। अगर हम फ्लेम तेज कर देंगे तो हमारे समोसे अंदर से क्योंकि फिलिंग भी अपना मॉइस्चर रिलीज करेगी तो अंदर हल्का सा गीलापन आ जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए जब आप धीमी फ्लेम पे पकाएंगे तो अंदर से जो मॉइस्चर फिलिंग ने रिलीज किया है वो भी उड़ जाएगा और आपके समोसे बढ़िया क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। यही सीक्रेट होता है हलवाई का, जब वो हलवाई बनाते हैं समोसे। और जब आप दूसरी खेप डालिएगा, मैं आपको एक और सीक्रेट बताती हूँ कि जब आप दूसरा बार डालिएगा तो अपने ऑयल को आप थोड़ा ठंडा कर लीजिएगा, फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा निकालते टाइम जब आप समोसों को निकालिएगा। तो देखिए हमारे कानपुर स्टाइल के बढ़िया से समोसे बनके एकदम तैयार हो गए। देखिए कितने बढ़िया, मैं आपको एक समोसा तोड़ के दिखाती हूँ, ये कितने अच्छा लग रहा है देखने में। ये जितना अच्छा है ना उतना खाने में बहुत स्वादिष्ट है। और इसको सर्व करने वाली हूँ मैं आलू के रायते के साथ में, जो स्टाइल का आप कहीं भी खाइएगा जाकर के वो आप उसके साथ में एक आलू का रायता जरूर देंगे और साथ में बढ़िया सी इमली की मीठी सी सौंठ वाली चटनी। तो कुछ इस तरीके से इसको सर्व करना है जैसे कि हम समोसे की चाट सर्व करते हैं। एक समोसा लीजिए, इसे थोड़ा सा तोड़ लीजिए, इसमें बढ़िया से आलू का रायता डालिए और इमली की चटनी डालिए और इंजॉय कीजिए इस समोसे को। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट देता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। आलू के रायते की रेसिपी भी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।